अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है सिंपल हार्मोनिक मोशन की दूसरी एग्जांपल, जिसका नाम है बाल एंड बाउल सिस्टम। हमें ये जानना है कि बाल एंड बाउल सिस्टम के अंदर बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती है। तो हम सबसे पहले बाल एंड बाउल कंसिडर करेंगे और देखेंगे कि वाकई ही बाल एंड बाउल सिस्टम के अंदर, जिसमें एक बाल है और एक बाउल है, उसके अंदर बॉडी अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ मोशन करती है, जिसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे कि हमारे पास एक बाउल है जो नॉर्मली हर घर में होता है आजकल। बाउल, इनिशियली हमारे पास बाउल के अंदर एक बॉल है जिसने हमें कहाँ पे रखा हुआ है, मेन पोजीशन पे। बॉल को हमने बाउल के अंदर रख दिया है। दिस इज बॉल और ये हमारे पास क्या है, बाउल। ये एक बाल एंड बाउल सिस्टम बन गया। ये जो इस बाल की पोजीशन है, इसे हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओ मींस मेन पोजीशन, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम ओ के साथ। ये बॉल है बेसिकली। अच्छा, अब अगर हम इसे इस स्टेज पे देखें, जब ये बाल अपनी वस्ती पोजीशन पे है, मेन पोजीशन पे है, तो हमें क्या नज़र आता है कि इस वक्त दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक इस बॉल का वज़न, जिसकी सिमत किस तरफ है, नीचे की तरफ। एक फोर्स जो कि वज़न की है, वेट की फोर्स, और उसकी डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ। और एक रिएक्शन की फोर्स है जो कौन लगा रहा है, बाउल लगा रहा है। किसके ऊपर, बॉल के ऊपर, और उसकी सिमत किस तरफ है, ऊपर की तरफ। एक वेट की फोर्स जिसकी सिमत किस तरफ है, डाउनवर्ड, और एक रिएक्शन की फोर्स जिसकी सिमत किस तरफ है, ऊपर की तरफ। क्या हमें जब बॉल मेन पोजीशन पे पड़ा होगा, मूव करता महसूस होगा, हिलता हुआ महसूस होगा, क्या वो आगे पीछे कहीं हरकत करेगा? बिल्कुल नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि उसका वज़न नीचे की तरफ और रिएक्शन ऊपर की तरफ, इन दोनों की कीमतें बराबर, लेकिन सिमत क्या है, मुखालिफ। कीमतें, वज़न और रिएक्शन इस जगह पे, एट द मेन पोजीशन, एट मेन पोजीशन, जब मैंने इसे कहीं भी डिस्प्लेस नहीं किया, एट मेन पोजीशन जब मैंने इसे डिस्प्लेस नहीं किया, तो क्या है, वेट और रिएक्शन आपस में इक्वल हैं। और इक्वल होने का मतलब क्या है, इनकी कीमतें बराबर हैं, उनका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट विल बी ज़ीरो, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। इस वक्त कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रही, फोर्सेस दो हैं लेकिन एक दूसरे को कैंसिल आउट करके टोटल फोर्सेस का मजमूआ इस वक्त क्या है, ज़ीरो है। इस वजह से ये बॉल आपको क्या दिखेगा, रेस्ट की हालत। अगली सिचुएशन ये है कि अगर हम इस बॉल को अपनी मेन पोजीशन से हटा के ए पोजीशन पे ले जाएं। सिचुएशन ये, हमें साबित तो यही करना है ना कि बाल एंड बाउल सिस्टम के अंदर अगर बॉल को अपनी वस्ती पोजीशन से छेड़ के किसी हाइट पे या एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके छोड़ दिया जाए, तो ये देखना तो यही है, क्या वो क्या करेगा, कंटिन्यूस मोशन स्टार्ट कर देगा, या फिर वहीं रुक जाएगा, या फिर एक चक्कर लगा के रुक जाएगा, या फिर आधे चक्कर के बाद रुक जाएगा। प्रूफ तो यही करना है। तो इस प्रूफ के लिए हमें इस बॉल को यहाँ से क्या करवाना पड़ेगा, डिस्प्लेस करवाना पड़ेगा। हम अगली सिचुएशन में क्या करेंगे, इसे अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस करवाएंगे। सो नेक्स्ट फिगर क्या होगी, हम इसे अपनी वस्ती पोजीशन से हटा के कहाँ पर ले जाएंगे, एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाएंगे। इसी बाल को हम यहाँ से क्या करते हैं, मेन पोजीशन से हटा के कहाँ पे ले जाते हैं, इस जगह पे जिसका नाम है एक्सट्रीम पोजीशन ए।
हम इसे यहाँ ला के छोड़ देते हैं ए पोजीशन पे, उसी बॉल को हम ला के रिलीज़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं, डिसप्लेस करके, अपनी जगह से डिसप्लेस करके, मेन पोजीशन से डिसप्लेस करके हम इस बॉल को यहाँ से छोड़ देते हैं। तो क्या होगा, ये बॉल मूव करेगा टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसे अपनी मेन पोजीशन की तरफ लेके आएगी? सवाल तो ये है कि जब हम इसे रिलीज़ कर चुके होंगे, जब हम इसे छोड़ चुके होंगे, तो कौन सी ऐसी फोर्स है जो इसे मजबूर करेगी कि ये वस्ती पोजीशन की तरफ आए? दैट इज़ रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो बॉडीज़ को हमेशा अपनी पहली पोजीशन पर लेके आना चाहती है, चाहे जिस तरफ मर्जी डिस्प्लेस करें, रीस्टोरिंग फोर्स चाहती है कि बॉडी अपनी जहां से चली थी, जो मेन पोजीशन थी, जो असल पोजीशन थी, वहां आ जाए। तो मुझे बताएं, इसे रीस्टोरिंग फोर्स कौन देगा? हमने तो छोड़ दिया था, हमने तो वहां जाकर उसे रिलीज़ कर दिया था। तो क्या नज़र आया कि इसका अपना वज़न, इसका अपना वेट ही से क्या प्रोवाइड करेगा? रीस्टोरिंग फोर्स, और अपने वज़न ही की वजह से। सो ओनली फोर्स, ओनली फोर्स जो यहाँ एक्ट करेगी, जिसे हम रीस्टोरिंग फोर्स का नाम देंगे, वो ओनली फोर्स कौन सी है? उस फोर्स का नाम है वेट। वेट इज़ अ फोर्स एंड रीस्टोरिंग फोर्स इज अ फोर्स। सो वज़न रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा, वेट इसे क्या मुहैया करेगा? वेट विल बी इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स, और नतीजा क्या निकलेगा? ये बॉडी किस तरफ आना शुरू हो जाएगी? अपनी वस्ती पोजिशन की तरफ। क्या ये अपनी वस्ती पोजिशन पर आके रुकेगी? क्या, इसे मैं डॉटेड ड्रॉ करता हूँ, क्या ये बाल अपनी वस्ती पोजीशन पे आने पे रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके पास इनर्शिया ज़्यादा है। इनर्शिया क्या चाहता है जिस्मों से? अगर कोई जिस्म अपनी मोशन स्टार्ट कर ले, अपनी रफ्तार स्टार्ट कर ले, अपनी हरकत स्टार्ट कर ले, तो उसका इनर्शिया चाहता है कि अब रुकना नहीं है, अब रुकना नहीं है। रीस्टोरिंग फोर्स इसे रोकना चाहेगी, रोकना चाहेगी, लेकिन इसका इनर्शिया इसे कहाँ ले जाएगा? इसे अब ले जाएगा कहाँ पे? एक्सट्रीम पोजीशन। उस एक्सट्रीम पोजीशन का नाम क्या है? इस एक्सट्रीम पोजीशन का नाम क्या है? इस एक्सट्रीम पोजीशन का नाम है बेटे, स्टूडेंट्स, बी। इसका मतलब हमने ए पे जाकर उसे रिलीज़ किया था, उसका वज़न ही उसे प्रोवाइड करता है रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स उसे लेके आती है इधर, इधर उसका काम ख़त्म हो गया था। लेकिन इनर्शिया रीस्टोरिंग फोर्स से ज़्यादा है, रीस्टोरिंग फोर्स क्या होना शुरू हो जाएगी? रीस्टोरिंग फोर्स, अब रीस्टोरिंग का फोर्स का रुख तो हमेशा किस तरफ होता है? रीस्टोरिंग फोर्स का रुख तो हमेशा किस तरफ होता है? टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। अब इनर्शिया इसे इधर लेके जाएगा, और इस दौरान अगर आप गौर करें, इस तरफ आते 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 बॉडी की, बॉल की वेलोसिटी क्या होना शुरू हो जाएगी? बढ़ना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और जब ये बॉडी इस तरफ जा रही होगी, वेलोसिटी कम कम, और यहाँ पे जाकर रुक जाएगी। यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स इसे ला कर रोकना चाहती है, लेकिन इनर्शिया की वजह से ये बॉल यहाँ रुक नहीं पाएगा। इनर्शिया ये कहाँ ले जाएगा? इस तरह। फिर जब यहाँ पहुँचेगा, फिर रोज रीस्टोरिंग फोर्स इसे किस तरफ लेके आना चाहेगी? नीचे की तरफ, और दोबारा किधर? ये मोशन कौन सी है जिसमें बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करे? कंटिन्यूसली ये सिलसिला चलता रहेगा, चलता रहेगा, और स्लो डाउन होता हो बॉडी, ये बॉल मेन पोजिशन पर रुक जाएगा। ऐसी मोशन जिसमें बॉडी क्या करे? अपनी वस्ती पोजीशन के आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन करती रहे, और एट लास्ट रुक जाए, या चलती रहे या करती रहे। ऐसी मोशन को हम नाम क्या देते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। तो हमें यह पता चला कि इस केस में भी, बॉल एंड बाउल सिस्टम के अंदर भी, जब ए बॉल को यहाँ जाके रिलीज किया था, इसका अपना वजन इसे रीस्टोरिंग फोर्स देगा, और ये इस तरफ आएगा, रीस्टोरिंग फोर्स कम पड़ जाएगी, रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू कम, इनर्शिया ज़्यादा, तो इनर्शिया इज अ फोर्स, वो क्या करेगा? इसे इस तरफ लेके जाएगा, यहाँ पे जाके दोबारा से रीस्टोरिंग फोर्स इसे किस तरफ लेके आएगी? इस तरफ, और इसका एक्सेलेरेशन भी इस तरफ होगा। हम जानते हैं कि एक्सेलेरेशन भी इस तरफ होता है, बॉडी का एक्सेलेरेशन भी हमेशा मीन की तरफ होता है, जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही हो, और रीस्टोरिंग फोर्स का भी रुख एक उसी तरफ होता है। तो नतीजा क्या निकलेगा? ये बॉडी कंटिन्यूसली अपनी वस्ती पोजिशन के आगे पीछे मोशन करती रहेगी, और एट लास्ट आहिस्ता आहिस्ता आखिर कार क्या नतीजा निकलेगा? ये बॉडी स्लो डाउन होती हुई अपनी वस्ती पोजीशन पे एट लास्ट आखिर में आपको यहाँ पे मिलेगी। और अगर वेलोसिटीज को देखें, यहाँ वेलोसिटी जीरो, यहाँ वेलोसिटी जीरो, लेकिन जब ये बॉडी यहाँ पे आएगी, वेलोसिटी मैक्सिमम,
बहुत तेज़ होगी, बहुत तेज़ वेलोसिटी होगी, फिर कम होना शुरू हो जाएगी, फिर ऊपर जाते हुए कम होना शुरू हो जाएगी। और एक्सेलेरेशन को देखें तो यहाँ एक्सेलेरेशन मैक्सिमम, और जब यहाँ पहुँचेगी तो एक्सेलेरेशन ज़ीरो, यहाँ फिर एक्सेलेरेशन मैक्सिमम। ये कुछ रिजल्ट्स हैं किस केस में, बॉल एंड बाउल सिस्टम, जहाँ वेलोसिटी ज़ीरो वहाँ पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू मैक्सिमम, जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम वहाँ पे एक्सेलेरेशन ज़ीरो। फिर इस तरह से केस चलता रहेगा, और ये वो मोशन जिसमें बॉडी अपनी पस्ती पोजीशन के आगे पीछे कंटिन्यूसली ये मोशन रिपीट करती रहे, कंटिन्यूसली ये अमल दोहराती रहे, इस मोशन का नाम क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमें साबित कर दिया, हमने देख लिया इस एग्जाम्पल से कि वाकई ही बॉल एंड बाउल की मोशन, बाल की बाउल के अंदर मोशन एक एग्जाम्पल है। किसकी एग्जाम्पल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। हमारी मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।